हेलो गाइस, सो गाइस आज का वीडियो ना काफ़ी स्पेशल होने वाला है। तो गाइस वीडियो को पूरा देखना, तभी आप अच्छे से बनाना सीख पाओगे और समझ पाओगे, ठीक है। तो गाइस चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ओके। और गाइस इस वीडियो में जो भी मटेरियल यूज़ करूँगा, सभी मटेरियल की लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी। ज्वाइन नहीं करो तो ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर मैं सभी मटेरियल टेलीग्राम पर अपलोड कर देता हूँ, ओके, तो ज्वाइन कर लेना। तो गाइस आज का वीडियो किस टाइप का होने वाला है वो वीडियो आप देख लीजिए। जैसा कि गाइस आपने भी जो स्क्रीन पर वीडियो देखा, इसी टाइप का वीडियो आज हम आपको बना के दिखाएंगे, ओके, तो वीडियो को पूरा देखना। तो गाइस इस टाइप का वीडियो बनाने के लिए अपने को एक एप्लीकेशन की जरूरत होती है, उसे ऐप का नाम है अलाइट मोशन। तो गाइस अगर जो मैं यूज कर रहा हूँ वही वाला अलाइट मोशन चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे मैं पिन करके रखा हूँ, ओके। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होते तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना। तो गाइस यहाँ पे मैं लाइट मोशन को ओपन कर लेता हूँ। तो गाइस यहाँ पे फर्स्ट बार लाइट मोशन को ओपन करने के बाद प्रोजेक्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड जो बीटमार्क और शेक इफेक्ट की दो प्रीसेट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उन दोनों को ऐड कर लेना है, ठीक है गाइस। अगर ऐड करने में या कुछ भी प्रॉब्लम होता है वीडियो बनाने में तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो वहाँ पे मैं कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बता दूंगा, ठीक है। तो गाइस सॉन्ग बीटमार्क वाले प्रोजेक्ट को ओपन करने के बाद यहाँ पे फोटो एडिट करना है, ठीक है। फोटो और पीएनजी की लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ज्वाइन नहीं करो तो ज्वाइन कर लेना। तो गाइस प्लस वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना एंड मीडिया पर जाना, जिस फोटो का वीडियो बनाना फोटो को सिलेक्ट कर लेना, ऊपर से डॉट पर क्लिक कर देना एंड या फिर कंपोजिशन एरिया कर लेना। और फोटो को अच्छे से एडजस्ट करने के लिए मूवमेंट ट्रांसफर वाले ऑप्शन में जाना और इसको कुछ इस तरह से यहाँ पर अच्छे से एडजस्ट कर लेना, ठीक है। कुछ इतना एग्जिस्ट करने के बाद इसकी लेंथ को भी अपने को एंड तक बढ़ा लेना है, ठीक है। तो एंड में आने के बाद इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है तो एंड तक आ जाए। कुछ इस तरह से करने के बाद फिर से स्टार्ट पोजीशन में आना, प्लस पे क्लिक करना और यहाँ पे एक शेप को सिलेक्ट कर लेना और थ्री डॉट पे क्लिक कर देना, ओके। थ्री डॉट पे क्लिक करने बाद इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना एंड यहाँ पे कलर फिल वाला ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे अपने को इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना और यहाँ पे थोड़ा सा शेडो को ऐड करना है, ठीक है। आप यहाँ पे शेडो का कलर जो रखना चाहो वो कलर रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लैक कलर पर क्लिक कर देना एंड इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पे इसको पकड़ के नीचे स्क्रॉल कर देना। अगर यहाँ पे आप व्हाइट कलर भी रखना चाहो तो रख सकते हो, बट मैं यहाँ पे ब्लैक ही रखूँगा, ठीक है। तो ब्लैक कलर को ऐड कर लेना सिंपल सा और इसको यहाँ पे थोड़ा अच्छे से एडजस्ट कर लेना, ठीक है। कुछ इतना अच्छे से एडजस्ट कर लेना, आप अपने हिसाब से भी इसको एडजस्ट कर लेना। इतना करने के बाद इसकी लेंथ को भी एंड तक बढ़ा लेना, ठीक है। यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से करने के बाद अब स्टार्ट पोजिशन में फिर से फोटो पर क्लिक करना, मूवमेंट ट्रांसफर में जाना और यहाँ पे एक की एनिमेशन ये वाला ऐड कर देना है। इस तरह से ऐड करने के बाद फोटो कुछ इस तरह से इतना स्क्रॉल कर लेना, ठीक है। इतना स्क्रॉल करने के बाद एंड तक आ जाना है, एंड में आपको फिर से इस वाले की को एनिमेशन ऐड करना है यहाँ पे और इसको पकड़ के फिर से इधर स्क्रॉल कर लेना है, ठीक है। कुछ इस तरह से तो ये फोटो कुछ इस तरह से मूव होगी, ठीक है। कुछ इतना करना है गाइस यहाँ पे। कुछ इतना करने के बाद अपने को वापस से बैग आ जाना, जो टेक्स्ट इफेक्ट की प्रोजेक्ट होते हैं ना उसको ओपन करना है, ठीक है। यहाँ पे टेक्स्ट इफेक्ट को मैं ओपन कर लेता हूँ। इस तरह से ओपन करने में यहाँ पे सबसे नीचे एक यहाँ पे शेप मिलेगा, उस वाले शेप पे क्लिक कर देना एंड यहाँ पे इफेक्ट वाले ऑप्शन में जाना और थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कॉपी इफेक्ट कर लेना है। इफेक्ट को कॉपी करने के बाद वापस से बीटमार्क वाले प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना गाइस। यहाँ पे बीटमार्क ओपन करने के बाद सिंपल सा फोटो पे क्लिक करना एंड इफेक्ट वाले ऑप्शन में जाना और थ्री डॉट में जाने के बाद पेस्ट इफेक्ट कर लेना, तो यहाँ पे इफेक्ट जो होता है वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। वापस एक बार बैग आना और जो टेक्स्ट इफेक्ट का प्रोजेक्ट होता है उसे वापस से ओपन करना। इसे ओपन करने के बाद यहाँ पे जो टेक्स्ट इफेक्ट की दो लेयर है उन दोनों लेयर को इस तरह से यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। इनको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कॉपी वाला ऑप्शन पे क्लिक करना एंड यहाँ पे कॉपी टू लेयर कर लेना, ठीक है। कॉपी टू लेयर करने के बाद वापस से जो बीटमार्क का प्रोजेक्ट होता है ना उसको ओपन करना है, ठीक है। तो गाइस अगर आप अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आपके दोस्तों में शेयर भी कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों लेयर को इस तरह से पेस्ट कर लेना। पेस्ट करने के बाद जो लोगो होता है अपना चैनल का, उस वाले लोगो पे क्लिक कर देना एंड यहाँ पे इसकी स्पीड को भी एंड तक बढ़ा लेना, ठीक है। अगर यहाँ पे अपना लोगो ऐड करना चाहो तो यहाँ पे डबल ऐड टेक्स्ट में जाने के बाद इसको डिलीट करने के बाद ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी ऐड करके रखूँ, इसको जैसे वैसे ही रहने देता हूँ। अब गाइस सॉन्ग को लिखना है तो यहाँ पे इस वाले एरो पे क्लिक करूँगा ना, नेक्स्ट बिट तक ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक लेयर को लाने के लिए लेयर पे क्लिक करना है, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है तो यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे सॉन्ग लेयर इसको लिखना है, ठीक है। मैं सॉन्ग को ऑलरेडी सुन के रखा हूँ तो मैं लिख लेता हूँ। लिरिक्स लिखने के लिए यहाँ पे एडिट टेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको डिलीट करने के बाद यहाँ पे फॉन्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उसको ऐड कर लेना, ठीक है। ऐड करने के बाद इसको डिलीट करना है और सॉन्ग लेयर को लिखना है तो मैं लिख लेता हूँ।
तो गाइस मैंने यहाँ पे जो फर्स्ट लेयर होता है कुछ इस तरह से लिख लिया हूँ। यहाँ पे फॉन्ट को जैसा वैसा ही रखना और यहाँ पे व्हाइट कलर सेलेक्ट कर लेना, उसके बाद राइट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो ये फर्स्ट लेयर अपना हो चुका है सिंपल से। एक बार यहाँ पे कॉपी वाला ऑप्शन पे क्लिक करना और इसको एक बार कॉपी लेयर करना, एरो पे क्लिक करना, नेक्स्ट बिट तक ये आ जाएगा, ठीक है इस तरह से। यहाँ पे एंड यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद वापस से पेस्ट करना और फिर से एरो पे क्लिक करना, नेक्स्ट बिट तक ये इस तरह से आ जाएगा। इसका एक्स्ट्रा पार्ट रिमूव करने के लिए फिर से लेयर पे क्लिक करना है, स्वीप वाले ऑप्शन पे क्लिक करना और इसकी स्पीड को यहाँ तक कर लेना, ठीक है। कुछ इस तरह से करने के बाद फिर से यहाँ पे नेक्स्ट लेयर को लिखने के बाद फिर से डबल एडिट टेक्स्ट में जाना और इसको डिलीट करने के बाद फिर से नेक्स्ट लेयर को लिखना है। तो गाइस आपको इसी तरह से जितना लेयर्स होता है सभी लेयर्स को सॉन्ग को सुन के लिखना है। तो मैं आपको एक से सभी लेयर को लिख के दिखाता हूँ, अगर एक एक लिख के दिखाऊंगा ना तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस देख सकते हो मैंने यहाँ पर जैसा लेयर वैसे ही सॉन्ग को सुन सुन के सभी लेयर्स को लिख लिया हूँ, ठीक है। इस तरह से आपको भी सभी लेयर्स को लिख लेना है, ठीक है। कुछ इस तरह से लिखने के बाद एक बार वापस से भेगाना और टेक्स्ट इफेक्ट के प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना है, ठीक है। तो गाइस प्लीज़ वीडियो को शेयर कर देना आपके दोस्तों में, प्लीज़ सपोर्ट करते रहना, मैं आपके लिए ऐसे ही एडिटिंग से रिलेटेड वीडियो पोस्ट करते रहूँगा, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे बिटमार्क को ओपन करना, जो HDICC के प्रोजेक्ट होते हैं उन चारों लेयर को इस तरह से सिलेक्ट करना और उस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना, कॉपी फोर लेयर कर लेना, ठीक है। वापस से बिटमार्क वाले प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना एंड गाइस यहाँ पे आप इसको यहाँ पे पेस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना और पेस्ट फोर लेयर कर लेना। तो गाइस यहाँ पे वीडियो बन के रेडी हो चुका, मैं थोड़ा सा आपको प्ले करके दिखा देता हूँ।